कानपुर के उर्सला अस्पताल में कोविड के टीके लगवाने वालों की मची होड़। रोज लग रहे हैं 200 से 250 टीके। कानपुर के जिला अस्पताल उर्सला में कोविड 19 के टीके लगवाने वाले लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। लोगों के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं नजर आया और बड़ी संख्या में लोग कोविड 19 के टीके लगवा रहे हैं। उर्सला अस्पताल में बूथ बनकर रोज 200 से 250 लोगों को टीके लगवाए जा रहे हैं, जिसमें 60 साल से ऊपर के मरीजों को टीके लगाए जा रहे हैं। साथ ही 45 साल से 59 साल के ज़्यादा बीमार लोगों को भी यह टीके लगाए जा रहे हैं, जिससे उनके कोविड 19 संक्रमण होने का खतरा न रहे। कोविड 19 बूथ के डॉक्टर ने बताया कि बूथ बनाकर लोगों को टीका लगाते हैं, उसके बाद उनको आधा घंटा सेफ्टी के तौर पर यहां रखा जाता है, जिससे कि अगर उन्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो वह उनको बता सकें। साथ ही वैक्सीन लगाने के लिए लोगों को सिर्फ अपना आधार कार्ड लाना है और उस पर अपना मोबाइल नंबर डालना है। इसके अलावा फॉर्मेलिटी के नाम पर भी लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। ये थोड़ा ऊपर कैसे सर, अपना परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर जी सी श्रीवास्तव। सब कितने यहाँ पर टीके लग रहे हैं और क्या क्या सुविधा? ऐसा है, यहाँ पे एवरेज जो है 250 से लेके 300 टीके प्रतिदिन लग रहा है। कितने उम्र के लोग आ रहे हैं अभी फिलहाल? 60 साल से ऊपर वाले और 45 साल से ऊपर वाले, अगर उनके साथ कोई बीमारी है तो उनको भी टीका लग रहा है। सर क्या क्या फॉर्मेलिटीज करनी पड़ रही है यहाँ पे लोगों को? आधार कार्ड देना पड़ता है और उसके साथ टेलीफोन नंबर। 60 साल से ऊपर वालों के टीके लग रहे हैं और जो 45 से 59 साल के हैं, अगर कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं तो उनके भी लग रहा है। तो वैक्सीन लगने के बाद किसी प्रकार की कोई दिक्कत? आधा घंटे के लिए यहाँ रोकते हैं, जिससे कोई प्रॉब्लम हो तो मैनेज कर लेंगे। कार्ड पे मोबाइल नंबर रहता है, अगर बाद में भी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सर एक दिन कितने टीके लग रहे हैं लोगों को? एक दिन में तो टारगेट है करीब 150 का, उसमें करीब करीब लग रहे हैं, ज़्यादा काफ़ी लोग आते हैं। कानपुर से संवाददाता प्रांजुल मिश्रा की खास रिपोर्ट, आज अभी न्यूज़।